वीडियो के अगले भाग में हम गाड़ी की हेल्थ और परफॉर्मेंस से रिलेटेड मीटर सेट पर डिस्प्ले होने वाली विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन और वार्निंग लाइट्स के बारे में जानेंगे। यह गाड़ी का स्पीडोमीटर है जहां पर आप गाड़ी की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में देख सकते हैं। यह आरपीएम मीटर है जिसे टेकोमीटर भी कहा जाता है, जो गाड़ी के इंजन की रोटेशंस पर मिनट को बताता है। यहां पर टेम्परेचर गेज दी गई है जो इंजन के तापमान को दिखाती है, और इसके साथ ही दी गई है फ्यूल गेज जो आपकी गाड़ी में फ्यूल की मात्रा को बताती है। यहां सबसे पहले आपको एक डिजिटल क्लॉक दी गई है, उसके बाद यहां पर आपको एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर दिखाया गया है। यह ओडोमीटर रीडिंग है जिससे पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। यहां पर एडब्लू से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि गाड़ी के एडब्लू टैंक में एडब्लू के लेवल, इसकी गेज दी गई है। अब मीटर सेट पर दिखाई जाने वाली इंडिकेशन लाइट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लाइट एग्जॉस्ट ब्रेक से रिलेटेड है। एग्जॉस्ट ब्रेक बेसिकली गाड़ी के इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस को रोकती है, जिस कारण इंजन पर बैक प्रेशर पड़ता है और इस बैक प्रेशर की वजह से इंजन की स्पीड कम हो जाती है। यह फीचर पहाड़ियों से उतरते टाइम काम में आता है, जिसकी मदद से आप गाड़ी की सर्विस ब्रेक्स का कम से कम इस्तेमाल करके गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे गाड़ी के ब्रेक पैड्स की लाइफ भी बेहतर मिलती है। तो एग्जॉस्ट ब्रेक इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन स्विच में दिए गए इस लीवर को ऊपर की तरफ मूव करें। आप देख सकते हैं कि मीटर सेट के ऊपर एग्जॉस्ट ब्रेक की इंडिकेशन लाइट ऑन हो गई है। अब जब कभी भी आप पहाड़ी से नीचे आते हुए गाड़ी को गियर में रखकर एक्सेलरेटर पेडल पर से पैर हटाएंगे, तब आपकी गाड़ी में एग्जॉस्ट ब्रेक चालू हो जाएगी, जिससे गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यह दूसरी इंडिकेशन लाइट हाई इंजन टेम्परेचर के बारे में बताती है। सामान्य स्थिति में गाड़ी का इंजन टेम्परेचर इस जोन में लाल लाइन से नीचे रहता है, लेकिन अगर गाड़ी की टेम्परेचर गेज लाल रंग के जोन में जा रही है और उसके साथ ही हाई इंजन टेम्परेचर इंडिकेशन की लाइट और बजर भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी में कुछ समस्या आ गई है, जैसे कि इंजन ऑयल की कमी, कूलेंट की कमी या इंजन में कुछ और दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत गाड़ी को रोड साइड में पार्क करके अपने नजदीकी SML सर्विस सेंटर या हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना है। ऐसा ना करने की स्थिति में गाड़ी के इंजन को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे इंजन सीज भी हो सकता है। अगली इंडिकेशन लाइट है चेक इंजन लाइट। तो अगर आपकी गाड़ी में कोई छोटी सी समस्या या फॉल्ट कोड है जिसका आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस केस में चेक इंजन लाइट जलेगी। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर यह लाइट अपने आप कुछ देर बाद चली जाएगी, या आप अपनी रेगुलर शेड्यूल सर्विस के दौरान इसके बारे में डीलरशिप मैकेनिक को बताकर गाड़ी को चेक करवा सकते हैं। अगली इंडिकेशन लाइट है लो फ्यूल वार्निंग लाइट। तो जब कभी भी फ्यूल टैंक में ईंधन की मात्रा एक सुरक्षित लेवल से नीचे चली जाए, जब भी लेवल की सुई इस लाल निशान से नीचे चली जाए, तो तुरंत ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत किसी नजदीकी फ्यूल पंप पर जाकर अपने वाहन में पर्याप्त फ्यूल भरवाना होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर आपकी गाड़ी का पूरा डीजल खत्म हो जाए और गाड़ी रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि गाड़ी में डीजल भरवाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसे ठीक करने के लिए आपको डीजल की कमी से फ्यूल सिस्टम में उत्पन्न हुए एयर लॉक को हटाना होगा। सबसे पहले आप CRS फिल्टर पर दिए गए इस पंप को दबाकर गाड़ी की हैंड प्राइमिंग करें। अब आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखें। अगर गाड़ी लंबे क्रैंक के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो सबसे पहले इस एयर ब्लीडिंग स्क्रू को ढीला करें। अब CRS फिल्टर पर दिए गए इस पंप को लगातार अपने हाथ से दबाएं। आप देख सकते हैं कि ब्लीड स्क्रू से डीजल के साथ साथ हवा भी बाहर निकल रही है। जब हवा निकलनी बंद हो जाए और स्क्रू से पूरा डीजल मिलने लगे, तो इस ब्लीड स्क्रू को टाइट कर दें। अब दोबारा हैंड प्राइमिंग करें। आप देखेंगे कि पंप धीरे धीरे भारी हो गया है। अब आप इंजन को क्रैंक करें। आप देखेंगे कि गाड़ी थोड़ा लंबा क्रैंक लेने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वार्निंग लाइट है एयर क्लीनर चोक इंडिकेटर। BS6 गाड़ियों में आने वाली सभी तरह की वार्निंग लाइट्स में यह लाइट अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
यह एयर क्लीनर की कंडीशन के बारे में ड्राइवर को सूचित करती है। अगर गाड़ी का एयर क्लीनर चोक हो गया है तो इंजन को पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिलेगी, जिसका ना केवल इंजन की परफॉर्मेंस पे गंभीर प्रभाव पड़ेगा बल्कि गाड़ी में लगे ईजीटी यूनिट को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यदि आपको अपने डैशबोर्ड पर यह वार्निंग लाइट लगातार दिख रही है तो तुरंत अपने नजदीकी SML डीलरशिप या हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह गाड़ी का एयर क्लीनर यूनिट है। इसका कवर खोलने पर आप देख पाएंगे कि यह फिल्टर दो फिल्टर से मिलकर बना है। यह बाहरी यूनिट प्राइमरी फिल्टर है और इसके अंदर यह सेकेंडरी फिल्टर है। सामान्य सड़क और धूल की स्थिति में प्राइमरी फिल्टर को हर 40,000 किलोमीटर के बाद बदलवाना जरूरी है और सेकेंडरी फिल्टर को 3 गुना चलने के बाद यानी 1,20,000 किलोमीटर पर बदलवाना जरूरी है। लेकिन अगर गाड़ी भारी धूल भरे क्षेत्र में चलती है तो ऐसी स्थिति में एयर क्लीनर जल्दी चोक होगा। ऐसे में जब भी आपको मीटर सेट पर चोक इंडिकेटर वार्निंग लाइट दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी SML डीलरशिप में जाके प्राइमरी फिल्टर को चेंज करवाएं और प्राइमरी फिल्टर के हर तीसरे बदलाव के साथ सेकेंडरी फिल्टर को भी चेंज करवाएं। अगली वार्निंग लाइट रेडिएटर के अंदर कूलेंट लेवल से संबंधित है। इस लाइट के बारे में अधिक जानने से पहले आइए हम गाड़ी के कूलेंट फ्लो के बारे में जान लेते हैं। यह गाड़ी का रेडिएटर है और यहाँ पर सब टैंक लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब टैंक कूलेंट से भरा है और इस पे मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल को दिखाया गया है। आमतौर पर सब टैंक में कूलेंट का लेवल मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में रहना चाहिए। यदि रेडिएटर में कूलेंट का लेवल कम हो जाए तो सब टैंक में भरा हुआ कूलेंट रेडिएटर में चला जाता है। पुराने वाहनों में संभावना है कि सब टैंक से सक्शन बंद हो जाए तो इस स्थिति में हमेशा रेडिएटर कैप को हटाकर कूलेंट लेवल की जांच करें। यहां आपको इस बात का खास ध्यान देना है कि रेडिएटर कैप को खोलने से पहले गाड़ी को कूल डाउन स्थिति में आने दें, नहीं तो रेडिएटर में अधिक प्रेशर होने के कारण गर्म कूलेंट एकदम बाहर निकल सकता है जो कि गंभीर चोट का कारण भी बन सकता है। अगर मीटर सेट पर कूलेंट लेवल की लाइट आ रही है तो आप सब टैंक को SML Isuzu द्वारा रिकमेंडेड जेन्युइन कूलेंट द्वारा ही फिलअप करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि रेडिएटर कैप में दी गई रबर सील मौजूद रहे और उसे हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सब टैंक से कूलेंट की सक्शन बंद हो जाएगी। यह अगली वार्निंग लाइट इंजन ऑयल प्रेशर से संबंधित है। यह लाइट इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल के प्रेशर की कमी के बारे में बताएगी। सामान्य स्थिति में जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो मीटर सेट पर यह चेक लाइट ऑन हो जाएगी और इंजन के स्टार्ट होते ही सिस्टम में ऑयल का प्रेशर बनने पर यह लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। यदि यह वार्निंग लाइट इंजन स्टार्ट होने की स्थिति में भी जलती रहे या चलती गाड़ी में आ जाए तो इसका मतलब है कि गाड़ी में पर्याप्त इंजन ऑयल प्रेशर नहीं बन पा रहा और ऐसी स्थिति में गाड़ी साइड में लगाकर इंजन को बंद कर दें। अब डिपस्टिक के माध्यम से इंजन ऑयल के लेवल की जांच करें। यदि ऑयल का लेवल निर्धारित मात्रा से कम है और आपको कोई बाहरी लीकेज भी नहीं नजर आ रही तो इस केस में आप इंजन को SML द्वारा रिकमेंडेड इंजन ऑयल के साथ टॉप अप करें या हमारे टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर के माध्यम से तुरंत किसी नजदीकी SML सर्विस सेंटर से जुड़ें। हफ्ते में एक बार इंजन ऑयल के लेवल की जांच जरूर करें। ऐसा करने के लिए गाड़ी को किसी समतल जगह पर खड़ा कर दें और गाड़ी को थोड़ी देर तक ठंडा होने दें ताकि सारा इंजन ऑयल सम्प में इकट्ठा हो जाए। अब डिपस्टिक को बाहर निकालें और एक साफ कपड़े से इसे साफ करें। डिपस्टिक को वापस इंजन में डालें और दोबारा बाहर निकालें। अगर ऑयल का लेवल L और F के बीच में है तो यह ओके कंडीशन है। अगर लेवल L से नीचे चला गया है तो गाड़ी में इंजन ऑयल टॉप अप करें और अगर लेवल F से ऊपर चला गया है तो इस कंडीशन में तुरंत कस्टमर केयर नंबर या नजदीकी सर्विस सेंटर से संपर्क करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन ऑयल का उपयोग इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें रूटीन में होने वाले वेयर एंड टेयर से बचाया जा सके। इंजन के चलने के साथ साथ धीरे धीरे इस ऑयल की लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है, इसलिए ओनर मैनुअल में दिए गए सर्विस शेड्यूल के हिसाब से इंजन ऑयल को समय समय पर बदलवाते रहें। डीजल ट्रक्स और बसेस के लिए यह चेंज इंटरवल 40,000 किलोमीटर्स या एक साल जो भी पहले आ जाए और डीजल टिप्पर और सभी प्रकार की CNG गाड़ियों के लिए यह इंटरवल 20,000 किलोमीटर या एक वर्ष जो भी पहले आ जाए है।
अगली वार्निंग लाइट इंजन ऑयल फिल्टर से संबंधित है। गाड़ी में इंजन ऑयल को फिल्टर करने के लिए कॉम्बी ऑयल फिल्टर दिया गया है। यहाँ आप इंजन ऑयल फिल्टर को देख सकते हैं। यदि यह फिल्टर चोक हो जाए तो अनफिल्टर्ड ऑयल सिस्टम में प्रवेश करना शुरू कर देगा, जिस कारण इंजन का वेयर एंड टेयर बढ़ेगा। इसे रोकने के लिए मीटर सेट पर यह वार्निंग लाइट दी गई है। तो जब भी मीटर सेट पर यह वार्निंग लाइट दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि ऑयल फिल्टर चोक हो गया है और तुरंत नजदीकी SML सर्विस सेंटर से संपर्क करें। गाड़ी के सामान्य ऑपरेशन के चलते इस फिल्टर को हर 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाना आवश्यक है। लेकिन अगर इससे पहले फिल्टर चोक इंडिकेटर की वार्निंग लाइट आ जाए तो तुरंत नजदीकी डीलर से संपर्क करें और गाड़ी को चेक करवाएं। अगला वार्निंग लैंप है OBD लैंप। सामान्य स्थिति में जब भी आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तो मीटर सेट पर यह चेक लाइट ऑन होगी और इंजन के स्टार्ट होते ही यह लाइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन अगर इंजन स्टार्ट होने के बाद भी यह वार्निंग लाइट जलती रहे या चलती गाड़ी में यह लाइट आ जाए तो इसका मतलब है कि गाड़ी में कोई समस्या आ गई है। अगर यह लैंप 2-3 ट्रिप के बाद भी लगातार जल रहा है और इसके साथ ही आपको मीटर सेट LCD पर कुछ फॉल्ट कोड भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं तो इस स्थिति में गाड़ी को नजदीकी SML सर्विस सेंटर पर चेक कराना आवश्यक हो जाता है। ऐसा ना करने की स्थिति में गाड़ी की परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि फॉल्ट कोड आने के कारण गाड़ी में लिम्प होम मोड एक्टिव हो जाए, यानी गाड़ी की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे पर रिस्ट्रिक्ट हो जाए। जैसा आप यहां देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होने की स्थिति में यह OBD लैंप लगातार जल रहा है और साथ ही मीटर सेट पर फॉल्ट कोड P0122 भी नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि गाड़ी में कुछ समस्या है जिसे तुरंत ही SML सर्विस सेंटर पर चेक करवाना होगा। अगला वार्निंग लैंप लो ब्रेक ऑयल लेवल से संबंधित है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वाली गाड़ियों में ब्रेकिंग के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है जो इस रिजर्वॉयर में यहां पर स्टोर रहता है। यहां आप देख सकते हैं कि इस रिजर्वॉयर पर मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल को दिखाया गया है। आमतौर पर ब्रेक फ्लूइड का लेवल मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना चाहिए, लेकिन अगर फ्लूइड का लेवल इस मिनिमम पॉइंट से नीचे चला जाए तो यह वार्निंग लैंप ऑन हो जाएगा। इस स्थिति में गाड़ी की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा जो कि एक्सीडेंट का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए आपको नियमित रूप से ब्रेक फ्लूइड लेवल की जांच करते रहना चाहिए और फ्लूइड लेवल कम होने की स्थिति में इसे SML Isuzu द्वारा रिकमेंडेड .4 ब्रेक फ्लूइड से ही टॉपअप करें। एयर ब्रेक गाड़ियों में यह वार्निंग लैंप ब्रेकिंग सिस्टम में एयर प्रेशर की मात्रा कम होने की स्थिति में ऑन होगा और जैसे ही सिस्टम में पर्याप्त प्रेशर बन जाएगा यह ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगली वार्निंग लाइट है बैटरी चार्ज इंडिकेशन, जो कि अल्टरनेटर से बैटरी चार्ज ना होने की कंडीशन में परमानेंटली ऑन हो जाएगी। आप देखेंगे कि इग्निशन ऑन करने पर मीटर सेट पर यह लाइट जलेगी और इंजन के स्टार्ट होते ही यह लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज कर रहा है। साथ ही मीटर सेट LCD पर वोल्टेज की रीडिंग भी 13 वोल्ट से ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर इंजन स्टार्ट होने के बाद भी यह वार्निंग लाइट मीटर सेट पर जलती रहे तो इसका मतलब है कि अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा और इसके साथ ही मीटर सेट LCD पर वोल्टेज का लेवल भी 12 वोल्ट से ऊपर नहीं बढ़ेगा, चाहे आप गाड़ी को कितना भी एक्सेलरेट कर लें। ऐसी स्थिति आने पर अल्टरनेटर बेल्ट की जांच करें या स्टार्टर के पास लगे हुए फ्यूजेस को चेक करें। यदि आप बिना बैटरी चार्जिंग के ही गाड़ी को चलाते रहेंगे तो कुछ समय बाद सारी बैटरी ड्रेन हो जाने पर ECU को करंट नहीं मिलेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। यह अगली वार्निंग लाइट वाटर एंड फ्यूल लेवल की है, जो डीजल में पानी के लेवल को बताती है। इस लाइट के बारे में आगे जानने से पहले एक बार हम गाड़ी के फ्यूल फिल्ट्रेशन सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैंक से डीजल प्राइमरी फिल्टर में जाएगा, जहाँ पर फर्स्ट लेवल की फिल्ट्रेशन होती है। प्राइमरी फिल्टर को हर 20,000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाना जरूरी है। ऐसा ना करने की स्थिति में सिस्टम में लगे सेकेंडरी फिल्टर पर दबाव बढ़ेगा, जिससे वह जल्द ही चोक हो जाएगा। फिल्ट्रेशन सिस्टम में लगा हुआ
यह नेक्स्ट फिल्टर सेकेंडरी फिल्टर है, जिसे CRS फिल्टर भी कहते हैं। यह फिल्टर ना केवल सेकेंडरी लेवल की डीजल फिल्ट्रेशन करता है, बल्कि इसके साथ साथ डीजल में मिक्स हुए पानी को भी अलग करता है, जिसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है। फिल्टर में इकट्ठे हुए पानी के लेवल को सेंस करने के लिए यहाँ पर वाटर इन फ्यूल लेवल सेंसर दिया गया है, जिसके सिग्नल के आधार पर मीटर सेट पर दी गई वार्निंग लाइट जलेगी। CRS फिल्टर को हर 60,000 किलोमीटर या 18 महीने जो भी पहले आ जाए उस पर चेंज करवाए। ऐसा ना करने की स्थिति में फिल्टर चोक हो जाएगा, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर मीटर सेट पर वाटर इन फ्यूल लेवल की वार्निंग लाइट जल रही है तो तुरंत फिल्टर में से पानी को ड्रेन करें। अगर आप इस वार्निंग लैंप को बार बार नज़रअंदाज करेंगे तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि फिल्टर में इकट्ठा हुआ पानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जैसे कि हाई प्रेशर पंप, कॉमन रेल, इंजेक्टर्स में चला जाएगा, जिस कारण ना केवल इन कंपोनेंट्स को बल्कि गाड़ी में लगे EGT सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। आइए अब हम CRS फिल्टर में से पानी निकालने के प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी को रोड साइड पर पार्क करें और उसे बंद कर दें। इसके बाद वाटर इन फ्यूल लेवल सेंसर के इलेक्ट्रिकल कपलर को खोल दें। सेंसर को निकालने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं। फिल्टर में जमा हुए सारे पानी को निकलने दें और जब यह खाली हो जाए तो वापस सेंसर को लगाकर इसे टाइट करें। इसके बाद इलेक्ट्रिकल कपलर को वापस लगा दें। सेंसर निकालने के कारण फ्यूल सिस्टम में हवा एंटर होगी, तो फिल्टर में से एयर लॉक को हटाना होगा। ऐसे करने के लिए सबसे पहले एयर ब्लीडिंग स्क्रू को ढीला करें। अब CRS फिल्टर पर दिए गए इस पंप को लगातार अपने हाथ से दबाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लीड स्क्रू से डीजल के साथ साथ हवा भी बाहर निकलने लगेगी। जब डीजल के साथ हवा निकलनी बंद हो जाए और स्क्रू से पूरा डीजल मिलने लगे तो आप इस ब्लीड स्क्रू को टाइट कर दें। अब दोबारा हैंड प्राइमिंग करें। आप देखेंगे कि पंप धीरे धीरे भारी हो गया है। अब आप इंजन को क्रैंक करें। गाड़ी थोड़ा लंबा क्रैंक लेने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। SML Isuzu Limited. Be the best. Be the one.